एक महिला होके पटना आए और यहाँ आने के बाद भी हमको कुछ कार्रवाई नहीं मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? गांव में गुंडा रहता है और मैडम रखती है, सब मैडम से डरता है। उधर दोनों मुख्य आरोपी जो है वो दोनों उसका रिलेटिव है, तो चंपा दरबार जाएंगे देखते हैं, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। अच्छा क्या दाऊद है जो नहीं पकड़ा रहा है, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जब तक उसको संरक्षण नहीं मिल रहा है तब तक क्यों नहीं पकड़ा रहा है? संरक्षण नहीं मिल रहा है तो एक साल पहले बूथ पे बेनी सिंह की हत्या होती है, ठीक एक साल बाद रिंटू सिंह की बीच बाजार में हत्या हो जाती है बिना संरक्षण के। सरकार के दबाव में प्रशासन है, अगर सरकार नहीं बचा रही है तो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? और एक दो को मार देगा तभी गिरफ्तार होगा। सिंह की हत्या हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उनकी पत्नी, उनकी भाभी और उनकी बहन तमाम लोगों के साथ तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं। आज फिर से रिंटू सिंह की पत्नी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरजेडी कार्यालय में पहुंची हुई है, क्या कुछ बात है, क्या कुछ बात लेकर आप आज फिर से यहाँ आई? बात हम इसलिए लेकर के आए हैं कि हम यहाँ से आज जा रहे हैं और कोई जहाँ तक हम बोल रहे हैं एक महिला होके पटना आए और यहाँ आने के बाद भी हमको कुछ कार्रवाई नहीं मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्या लगता है आप, तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? जी नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं वहाँ प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी नहीं, जैसा थे वैसे ही हो रहा है। उसके बाद आप गांव गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? जी अभी तो नहीं गए, लेकिन कॉल करके पता करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे चाहती क्या है आप? हम मेरा वही पुराना वाला ही डिमांड है, CBI जांच हो, वो भी कोर्ट के निगरानी में, और सुरक्षा हमको मिलना चाहिए। अच्छा आप उनकी बहन हैं, क्या लगता है इससे पहले किसी प्रकार का और किसी के साथ कोई विवाद रहा है क्या? किनका? लेशी सिंह जी का? रिंटू सिंह का? रिंटू सिंह? नहीं, रिंटू भैया का कोई विवाद कभी नहीं रहा है, वो नेता की छवि में आते हैं, उनका कोई आपसी वैसा कोई दुश्मनी भी नहीं था। बस जो है कि देखिए इस घटना में मारने वाला सबसे पहले अटिया, वो भी लेसी का भतीजा है, लेसी सिंह जी का भतीजा है। दूसरा सुबोध नाम है ना, श्यामल और सुदेश सिंह उसका भाई है, लेसी सिंह जी का भाई है, ममेरा भाई है। दोनों मुख्य आरोपी जो है वो दोनों उसका रिलेटिव है और खास है, ठीक है। उसके बाद श्यामल सिंह भी जो बेनी सिंह का हत्या किया है वो भी उसका भतीजा है। और गिरोह चलवाती है मैडम, गांव में गुंडा रहता है और मैडम रखती है, सब मैडम से डरता है उधर। जब आप यहाँ विपक्ष के नेता के पास आई हैं तो किसी सत्ता पक्ष के नेता के पास गई, BJP के मंत्री हो या किन्हीं के पास आप मिली हैं जाकर? नहीं, हम लोग BJP के पास नहीं गए हैं, और हम लोग जनता दरबार जाएंगे देखते हैं, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। वो लोग कुछ बोल भी तो नहीं रहे, हम लोग चीख चीख के बोल रहे हैं लेसी मैडम करवाई है, उधर से कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई रिस्पांस ही नहीं है सरकार की। SP भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है, क्या किसको पकड़े हैं अभी तक? अटिया क्या दाऊद है जो नहीं पकड़ा रहा है, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जब तक उसको संरक्षण नहीं मिल रहा है तब तक क्यों नहीं पकड़ा रहा है? वो संरक्षण मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। संरक्षण नहीं मिल रहा है तो एक साल पहले बूथ पे बेनी सिंह की हत्या होती है, ठीक एक साल बाद रिंटू सिंह की बीच बाजार में हत्या हो जाती है बिना संरक्षण के। सरकार यानी कि दबाव में है? बिल्कुल दबाव में है, प्रशासन दबाव में, सरकार दबाव में नहीं है, सरकार के दबाव में प्रशासन है। अगर सरकार नहीं बचा रही है तो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? और एक दो को मार देगा तभी गिरफ्तार होगा, और खुलेआम तो बोल रहा है हम गवाही को मार के ही जेल जाएंगे। अगर इस चीज की जानकारी हमको है तो क्या प्रशासन को जानकारी नहीं है? नहीं है तो हम दे रहे हैं ना, प्रशासन क्यों बैठी हुई है? बिल्कुल, तो ये थी रिंटू सिंह की बहन। देखिए सवाल है कि जिस तरीके से रिंटू सिंह की हत्या हुई है, और इनका कहना है इससे पहले बेनी सिंह का भी हत्या उसी व्यक्ति ने किया है, अब क्या सरकार आखिरकार इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी और उनकी बहन लगातार इस न्याय की गुहार लगा रही है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है, इनका कहना भी है कि पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, इस वजह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ना पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई आगे जांच कर रहा है। इनका इतना भी कहना है कि जिस तरीके से तमाम
जो गवाही है रिंटू सिंह की हत्या हुई उसकी गवाही है, उस गवाही को मार कर ही जेल जाएंगे जिसने रिंटू सिंह का मर्डर किया है, ऐसा रिंटू सिंह की बहन जो आपने सुना है उनका कहना है। पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कर रही है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार सत्ता में बैठे तमाम लोग कर क्या रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो न्याय की गुहार मांग रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रहा। और भी अपडेट्स देंगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।